नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आए दिन हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, राजनीतिक नेताओं की बात करते हैं और भी कई सारी घटनाएं होती हैं जिन पे हम अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन हम आज उन लोगों की चर्चा करेंगे जो हमसे भी ज़्यादा कमाई करते हैं। हमसे भी ज़्यादा मतलब हम जैसे आम लोग जो हैं उनसे भी ज़्यादा वो कमाई करते हैं। दरअसल दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपने परिवार के साथ ही खुद की जीविका चलाने के लिए या नौकरी करता है या कोई और काम करता है, और इंसान कितना कमाता है ये उसके लाइफस्टाइल से पता चलता है। और एक ऐसा भी वर्ग है जिसके बारे में आप अंदाज नहीं लगा सकते कि वो कितना कमाता है, और वो जो सेगमेंट है वो भिखारियों की सेगमेंट है। दोस्तों, आज मैं कुछ टॉप के जो रिचेस्ट भिखारी हैं भारत के, उनकी बात करने वाली हूँ। आपको उनकी आमदनी सुन के हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वो कितना कमा लेते हैं और कितने बड़े बड़े और कैसे कैसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में उनके फ्लैट हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ मुंबई के परेल के इलाके में भीख मांगने वाले भरत जैन की। इनके पास दोस्तों दो फ्लैट हैं मुंबई में और उनकी कीमत लगभग लगभग जो है 2 करोड़ के करीब है, और आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी आमदनी कितनी होगी पर मंथ। तो मैं आपको बताती हूँ कि उनकी आमदनी जो है वो पर मंथ 75,000 रुपया वो कमा लेते हैं। और अमीर भिखारियों की लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो लक्ष्मी का है। लक्ष्मी 16 साल से ही इस काम को कर रही है। उन्होंने कोलकाता में भीख मांगना शुरू कर दिया था और लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1964 से उन्होंने भीख मांग करके करोड़ों की संपत्ति जुटा ली है। आज के टाइम में लक्ष्मी हर दिन 1,000 रुपया कमा रही है। 1,000 का मतलब ये हो गया कि वो महीने के 30,000 रुपये कमा रही है। और अमीर भिखारियों की लिस्ट में मुंबई की गीता जो है वो 3rd पायदान पे है। उसने भी मुंबई में एक फ्लैट लिया है। यू नो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में घर होना सबसे बड़ी बात होती है, और मुंबई जैसे शहर में जिसके पास घर है तो उसके तो क्या कहने। मुंबई में उसने अपना फ्लैट भी लिया हुआ है और मुंबई के चन्नी रोड पे वो भीख मांगती है, और हर रोज़ वो 1,500 रुपया कमाती है। इस हिसाब से वो लगभग 45,000 रुपया महीने का कमा लेती है। अब चौथे नंबर पे हम बात करते हैं चंद्र आज़ाद की। हालांकि इनकी 2019 में रेल दुर्घटना में डेथ हो गई थी, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उनके पास से 8.5 लाख रुपया मिला, और ये तो वो पैसा था जो बैंक में रखा हुआ था। उनके पास कैश भी लगभग 1.5 लाख रुपया उस समय मिला था, ऐसी पुलिस ने जानकारी दी थी। और बिहार की राजधानी पटना के प्लेटफॉर्म पे भीख मांगने वाले पप्पू जो हैं वो भिखारियों की जो कैटेगरी है उसमें 5वें नंबर पे आते हैं। पप्पू का पैर एक दुर्घटना में चला गया था और उसके बाद से ही उसने स्टेशनों पे भीख मांगनी शुरू की थी, और पप्पू के पास लगभग 1.25 करोड़ की संपत्ति है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो दिन में कितना कमा लेता होगा। तो दोस्तों, ये कुछ मैं ये कहूँ कि हाई प्रोफाइल भिखारी हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और देखिए, ये लोग
फुटपाथ पे बैठ के भीख मांगते हैं, लेकिन इनके पास एप्पल का जो है लैपटॉप होता है ना। हैरानगी की बात, इनके पास जो पैसा निकलता है किसी ने इमेजिन नहीं किया होता। आखिर में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको मेरा जो कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और देखिए, ऐसी जो जानकारियाँ होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो और लोग भी इस जानकारी से रूबरू होंगे। जय हिंद, जय भारत।